फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीलॉग है वो होगा आज हवेली के ऊपर। हम हवेली में आए हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जानवर हैं, तो सबके बारे में आपको इंट्रो भी देंगे और बताएंगे भी जानवरों के बारे में। तो उम्मीद है ये वीलॉग आपको बहुत पसंद आएगा, जानवरों के बारे में आपको सारा वीलॉग होगा। तो कुर्बानी के जानवर भी इसमें शामिल होंगे, दूध देने वाले जानवर भी होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो जो है ना वो आपको टाइमली मिलती रहें। जो हमारे पास आज अभी आपको पहला जानवर दिखाने वाले हैं, ये हमारी भैंस है। ये तकरीबन सेकंड टाइमर है, तो माशाल्लाह अभी बिल्कुल तैयार होने वाली है, तकरीबन महीना डेढ़ अभी लेती है सोने में। तो इसकी जो दूध की है पैदावार वो तकरीबन है, हमारे जो लास्ट इसका टाइम था उसमें इसमें दिया था तकरीबन 10 kg। तो उम्मीद है इस दफ़ा जो है ना ये तकरीबन 12 से 14 किलो के करीब जो है ना ये दूध इंशाल्लाह करेगी। तो पिछले दिनों इसका हमें रेट भी लग रहा था काफ़ी अच्छा, लेकिन हमने दी नहीं है क्योंकि ये घर के इस्तेमाल के लिए हमने जो है ना वो रखी हुई है। तो इसके साथ जो है ना ये छोटी बच्ची है, बछड़ी है गाय की। और उसके साथ अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो ये बैल है, ये बछड़ा है, माशाल्लाह जवान बैल है। और ये कुर्बानी के लिए जो है ना वो सेल करने के लिए रखा हुआ है। तो इसके काफ़ी अच्छे रेट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसको रोका हुआ है। तो उम्मीद है कि ईद के करीब जो है ना ये जब हमें अच्छी अमाउंट जो है ना वो दे जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बैल है माशाल्लाह, काफ़ी हेल्दी है और बड़े जो है ना वो प्यार से इसको जो है ना पाला गया है। शुरू से अब तक घर के अंदर ही जो है ना वो रहा है, इसको बाहर नहीं निकाला गया। तो इसको हम ईद के ऊपर सेल करेंगे, तो होपफुली कि ये हमें इंशाल्लाह एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है ना वो देगा। बाद नाजरीन, ये हमारे पास गाय है, प्योर साहिवाल नस्ल की फार्म की गाय है ये। तो इसकी जो दूध की पैदावार है वो एवरेज तकरीबन 16 to 18 kg है, 16 से 18 किलो जो है ना वो डेली इसका जो है ना वो दूध की पैदावार है माशाल्लाह से। तो ये अभी तकरीबन एक माह लेती है सोने में, तो अभी तैयारी के मराहल में माशाल्लाह ये। तो ये इसके दुम जो है ना वो एक डिज़ीज़ होती है मोरी, वो लगने की वजह से ना वो काटनी पड़ गई थी, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती जो है ना उसमें थोड़ा सा कमी आई है, वरना ये बहुत खूबसूरत गाय थी माशाल्लाह। बहरहाल अभी भी दूध के लिहाज से माशाल्लाह ये बेहतरीन नस्ल है साहिवाल की, और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इसको दूध को पसंद किया जाता है, और दूध की मकदार भी इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारी दूसरी थी तकरीबन थर्ड टाइम है ये गाय, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना दूध की पैदावार पहले से भी ज़्यादा जो है ना वो होगी। इसके साथ ये जो है ना बकरे हैं, ये कुर्बानी के ऊपर सेल करेंगे, तो अभी इनके रेट अच्छे लग रहे हैं, तकरीबन 35 to 40 kg के करीब, 40,000 के करीब जो है ना वो लग रहे थे अभी इनके। ये भी माशाल्लाह इसका वजन 35,000 रुपये जो है ना वो दे रहा था व्यापारी, तो अभी हमने सेल नहीं किया। तो ये भी है माशाल्लाह, हमारी जो कोशिश है वो ये है कि 40 plus 45-50 के करीब इंशाल्लाह हम इनको सेल करेंगे कुर्बानी के करीब जो है ना। ये दोनों जोड़ी का उस दिन वो दे रहा था तकरीबन 75,000 के करीब, हमने नहीं दिए। अभी हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेट जो है ना वो ईद के करीब हो और थोड़ा अच्छे हो जाए। ये बकरी है और इसके साथ ये इसका बच्चा है, एक और बच्चा है इसका, वो छोटा ब्लैक कलर का है, वो नीचे खेल रहा है। तो ये सर हमारा हवेली का माहौल है। ये तो था अंदरूनी साइड जो बरामदा है, ये वाला पंखे वगैरह लगाए हुए गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए। ये बरामदे की इनर साइड है और ये बरामदे की बाहर वाली साइड है, ठीक है। जब मौसम नॉर्मल होता है तो हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर वाली साइड पे जानवरों को बांध देते हैं, और जब धूप वगैरह आती है तो जानवरों को जो है ना वो बरामदे, बारिश वगैरह हो सर्दी बरामदे अंदर जो है ना वो बांध देते हैं। ये अंदर वाली साइड है और ये बाहर वाले दरमियान के अंदर खुली है, ताकि दोनों साइडों से जानवर जो है ना वो आसानी के साथ चारा जो है वो खाते रहें। अब चलते हैं बाहर की साइड पर, ये पानी वाला पम्प है, मोटर है, और इसके साथ जो है ना ये हमने जानवरों को पानी पिलाने के लिए बाल्टी और पाइप वगैरह लगा के रखा, वो गधी है, चारा लाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो है वो छोटे जानवर हैं हमारे, और इसके साथ दूसरे बड़े जानवर हैं। ये हमारी हवेली के जो है ना वो बाहर की साइड है सारी।
सारी हवेली है वो जाके दरख्त है छाँव के लिए, जानवर छाँव में बांध देते हैं दोपहर के वक्त वहाँ पे। आगे चलते हैं, ये है कुरली जिसके अंदर चारा डाला जाता है जानवरों को। तो दरख्त है साथ साथ हवेली का, ये हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे चारा जो है ना वो काटते हैं हम। ये टोका, टोका मशीन जो है ना ये बिजली पे चलती है और इससे जो है ना ये चारा है, ठीक है, ये चारा है हमारा सबल चारा और इसके साथ तूड़ी। ये खुश्क चारा होता है क्योंकि जानवर जो है ना अमूमन सबल चारा जो है ना उसके साथ जो है ना ये तूड़ी मिक्स की जाती है, जैसे जानवर का पेट भी बढ़ जाता है और वैसे भी जो है ना सेहत भी ठीक रहती है। ये जी काटना चारा काटने के बाद जो है ना ये हमारा नीचे जैसे बना हुआ है, ये चारा कट गया, कटने के बाद इसको मिक्स करते हैं तूड़ी के साथ। ये जो तूड़ी है ये गंदम का खुश्क भूसा जो होता है ये मशीन के साथ इसको ब्रेक किया के ये बनाया जाता है, ये जानवरों के लिए बेहतर होता है। तो ये सारा होता है प्रोसेस जानवरों के चारे का। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, तो उम्मीद है ये सारा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। जानवरों के बारे में और अच्छी वीडियोज़ जो है ना हम अपलोड करते रहेंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको कुर्बानी के जानवरों के रेट्स और उनकी खसूसियात के बारे में बताएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छे आने वाली वीडियोज़ जो है ना वो आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका।